नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर 35 में आपका मन से स्वागत है दोस्तों। लेक्चर 35 बेटे, आज लेक्चर 35 शुरू हो गया। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कमेंट 35 को डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन 35 समझ लें, कंसेप्ट 35 समझ लें। वो बेटे, मैं कल अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और प्रैक्टिस मैनुअल देख रहा था सीएस की, और स्टडी मटेरियल देख रहा था। तो बेटे, मैंने शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन का मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो मैंने प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस कवर कर दिए। तो बेटे, आपको जून 2014 से तो कमेंट्स मिल ही रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं, डिफरेंस भी मिल रहे हैं, लेकिन वो पूरे 150 बैठ नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया, 50 कमेंट तो आपको करा ही रहा हूं, फिर मैंने 50 शॉर्ट नोट्स और 50 डिफरेंस बिटवीन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। और क्योंकि इसमें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे बार बार, मैंने इसकी जगह स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल में भी आपको थ्योरी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको, और जो थोड़े से पास्ट ईयर बचे थे वो। तो बेटे, इन सबको मिलाकर मैंने 50 बना दिए। इसका मतलब आपको 50 कमेंट्स करने और बस 50 और करने हैं। क्या? शॉर्ट नोट्स का मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल। तो टोटल मिलाकर बेटे 100 छोटी छोटी क्लासेस आपको थ्योरी की करनी है। मुझे लगता है इस 100 में से प्लस 101 डायग्राम में से काम बन जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। तो आइए जी, क्वेश्चन 35 आपके सामने मैं निकाल दूं। एक्सप्लेन ब्रिज लोन। बेटे, दिसंबर 2014 में शायद ये नहीं आया, मैंने इसको हल्का सा चेंज किया है, क्योंकि जो आया था वो तो कंसेप्ट में डिस्कस कर चुका था। तो मुझे लगा बार बार वही कंसेप्ट डिस्कस करने से अच्छा मैं एक आपको नया कंसेप्ट दूं। तो ब्रिज लोन एक नया कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप प्लीज लिख लें। क्वेश्चन 35, ब्रिज लोन। ब्रिज बेटे, ब्रिज का मतलब क्या होता है पता है आपको? ब्रिज बेटे, जैसे मान के चलें यहां पर गांव है, ये गांव है, और यहां पर भी गांव है, और बीच में नदी का पानी है। आप बताएं कि यहां के गांव वाले और यहां के गांव वाले एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बेटे, इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना देंगे, बस बेटे बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको लोन की बात समझाऊंगा। तो अगर हम दो के बीच में ब्रिज बना दें तो उसको कहते हैं ब्रिज लोन। मैं अब आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक कॉरपोरेट एंटिटी है, सपोज करते हैं देयर इज वन कॉरपोरेट एंटिटी, एक कॉरपोरेट एंटिटी है, और उस कॉरपोरेट एंटिटी को पैसों की रिक्वायरमेंट है बेटे, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। बेटे, उस कॉरपोरेट एंटिटी को फंड्स की जरूरत है। तो वो फंड्स कहां से लेती है बेटे? जनरली देखा गया कि लोग, कंपनीज बैंक लोन ले लेती है बेटे, बैंक लोन ले लेती है।
बैंक से पैसा लेते हैं। बेटे आज भी पैसे की जरूरत हो तो हमारे माइंड में पहली चीज बैंक ही आता है। तो बैंक लोन अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट सुनते रहते होंगे, कार लोन, मैरिज लोन, पर्सनल लोन, हाउस लोन। बिल्कुल इसी तरह से एक कॉर्पोरेट एंटिटी भी बैंक से अलग अलग तरह के लोन ले सकती है। जनरली मैं उनको कहूंगा टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन। अब बेटे ये लोन का अमाउंट एज कंपेयर टू पर्सनल्स ज्यादा होता है बेटे, करोड़ ऑफ रुपीस में। जैसे मैं कहता हूं किंग फिशर एयरलाइन ने कैनरा बैंक से लोन लिया बेटे, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए का लिया। अब जब ये इतने हजार करोड़ रुपए का लोन लिया जा रहा है तो बेटे फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट्स सभी कुछ पूरे करने पड़ते होंगे। और अगर वो लोन किसी एसेट के सिक्योरिटी के अगेंस्ट दे रहे हैं तो उस एसेट के डॉक्यूमेंट्स, उसकी फॉर्मेलिटीज, ये सभी करने में समय लग जाता है बेटे। तो सपोज करते हैं कि किंग फिशर एयरलाइंस हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। बेटे ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अभी की नहीं, जब किंग फिशर एयरलाइन बनी थी तो उस समय इन्होंने अलग अलग बैंक से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि कौन से बैंक से इन्होंने पैसा लिया था, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कुछ पैसे इन्होंने एसबीआई से, कुछ कैनरा से और कुछ पीएनबी से ले। बेटे अमाउंट ऑफ लोन इज ह्यूज। तो ये क्या करते होंगे, पहले लोन की एप्लीकेशन फाइल करते होंगे या इनके बिहाफ में मर्चेंट बैंकर करता होगा बेटे। बेटे उसके बाद, उसके पूरी एप्लीकेशन के बाद जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करते होंगे, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। बेटे अगर कोई एसेट सिक्योर्ड है तो एसेट सिक्योर्ड है तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी लगाते होंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरे करते होंगे, ये सभी बातों को पूरा किया जाता है बेटे। बेटे समय लग जाता है, आप बताइए हजार करोड़ रुपए लेने हैं, बैंक को भी तो टाइम चाहिए इतना सारे पैसे अरेंज करने के लिए। तो इस वजह से ये कंपनी कहती है कि बैंक जी आप ना मुझे हजार करोड़ दे देना जब भी देने होंगे। मतलब आपको लगता है कि आप 3 महीने के बाद दोगे तो कोई बात नहीं बैंक जी, लेकिन बैंक जी मैं ये 3 महीने काम कैसे करूंगा, तो इस 3 महीने अपनी वर्किंग के लिए मुझे एक जुगाड़ वाला लोन दे दो। उस लोन का नाम है ब्रिज लोन, ब्रिज, ब्रिज। मेरे को लोन 50-60 करोड़ का दे दो अभी, सो दैट मैं 3 महीने का अपना प्रोसेस नॉर्मल चला लूं। फिर जैसी 3 महीने बीतेंगे आप मुझे बैलेंस अमाउंट दे देना, क्योंकि वो आपने सैंक्शन तो कर ही दिया है। इसका मतलब ब्रिज लोन हम उस लोन को बोलते हैं जो सैंक्शन हो चुका है लेकिन अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है, अभी टाइम लगेगा उसको मिलने में, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसकी जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है, उसमें कुछ समय लगेगा। तो बेटे बेटे हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अभी मेन खाना नहीं दे रहे। आप किसी की बारात में जाएं तो बेटे अभी मेन रोटी शुरू नहीं हुई लेकिन आपको तो भूख लग रही है ना, आपको तो भूख लग रही है ना, तो हम कहते हैं हम आपके लिए स्नैक्स रेडी रख रहे हैं, आप फ्रूट खाइए, चीला खाइए, मसाला डोसा खाइए, पापड़ी खाइए, भले खाइए। ये ब्रिज है, ब्रिज है, ये जुगाड़ है। अभी कुछ दिनों के देर के बाद जब लड़के वाले आ जाएंगे डांस करते करते तो हम खाना खोल देंगे, तो तब तक आपको चक्कर ना आ जाए, आप घबरा ना जाओ, तो उसके लिए हम आपको स्नैक्स दे रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर एक बैंक कंपनी को टर्म लोन देगा, सैंक्शन कर दिया है कि मैं दूंगा, लेकिन जुगाड़ के लिए जब तक वो मिलेगा तब तक कुछ पैसे एडवांस में थोड़ा सा अमाउंट देना इज
ब्रिज लोन। ब्रिज ब्रिज का मतलब दो चीजों के बीच में एक बांध बनाना, बांध बनाना। तो बेटे आइए, मैं चाहता हूं एक मिनट के लिए आप इस पे कुछ लिखें। लिखें जी, रजिस्टर निकाल लें बेटे, रजिस्टर निकाल लें मेरे बेटे, रजिस्टर निकाल लें। एक्सप्लेन ब्रिज लोन क्वेश्चन 35 आपकी प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर की मैंने, सीए सीए सीएमए के पेपर भी कवर किए मैंने। आइए जी लिखिए, हिंट लिखिए बेटे, इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ न्यू फंड। वैसे डायग्राम की बुक में है ये, अभी मैं दिखा देता हूं, आप डायग्राम की बुक निकाल ले, निकाल ले, ये देखिए ये बेटे पेज नंबर 89 में, ये बेटे पेज नंबर 89 में, बेटे पेज नंबर 89 में। तो बेटे अभी देख लेंगे, पहले आपको जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए, इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ अ न्यू फंड, इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ अ न्यू फंड। ब्रिज लोन एक नया फंड है और थोड़े समय के लिए मिलता है, जब तक पूरा लोन मिलेगा पिक्चर अभी बाकी है। बेटे पिक्चर दिखाने से पहले हम ट्रेलर दे देते हैं कि एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो जाए, ठंड तो रख लो। इट इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी फ्रॉम अ बैंक, इट इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। बेटे या तो ये लोन हम बैंक से लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लॉन्ग टर्म। बेटे जो लॉन्ग टर्म देना है उसमें अभी समय लगेगा, पेंडिंग है तो उससे पहले ही हम कुछ लोन दे रहे हैं। लिखें, इट इज अ लोन taken by a company from a bank or financial institution for a short period pending disbursement of long term loan already sanctioned। long term loan to already sanctioned ho chuka hai by the same institute or bank, by the same institute और बैंक। बेटे इसको हम कहते हैं ब्रिज लोन, सो दिस इज नेम्ड एज ब्रिज लोन। तो बेटे ब्रिज लोन के ऊपर शॉर्ट नोट काफी बार आया हुआ, करके जाना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ज्यादा देखना है तो आप डायग्राम वाली बुक में देख सकते हैं, मैंने वहां पे भी लिखा है, आप देखिए, ये देखिए पेज नंबर 89। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं, बहुत ही छोटा सा लेक्चर था। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटे।